किसान आंदोलन को लेकर इनेलो पार्टी ने पूर्ण रूप से अपना सहयोग किसानों को समर्पित कर दिया है। किसान आंदोलन के पक्ष में इनेलो के इंसो विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन चौटाला ने किसानों के पक्ष में एक विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली। करनाल में पत्रकारों से रूबरू होते हुए अर्जुन चौटाला ने बताया कि यह ट्रैक्टर रैली कालका से शुरू होकर सिंधु बॉर्डर तक जाएगी। लाडवा से होते हुए इंद्री के गांव रातखाना व उसके बाद हादसों चौक से होती हुई नीलोखेड़ी पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि इनेलो पार्टी पूर्ण रूप से किसानों के साथ है। यह मसला केवल किसानों का ही नहीं बल्कि आमजन का मसला है और हम सभी को मिलकर इस आंदोलन को लड़ना होगा। इनेलो के इंसो विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन चौटाला ने कहा कि सरकार ने जो तीन काले कानून बनाए हैं वह किसानों के हित में नहीं है और सरकार अपनी हट धर्मिता की पड़ी हुई है। उन्हें यह तीनों काले कानून वापस लेने चाहिए। जब किसान इन कानूनों के पक्ष में नहीं है तो फिर सरकार क्यों इस पर अड़ी हुई है। लंबे समय से किसान दिल्ली की सीमाओं को घेर कर आंदोलन कर रहे हैं। काफी किसानों की आंदोलन के दौरान मौत भी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इनेलो पार्टी का किसानों को पूर्ण सहयोग रहेगी। किसान अपने अपने ट्रैक्टरों पर दिल्ली की तरफ रवाना हो चुके हैं और गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में सरकार के खिलाफ ट्रैक्टर परेड मार्च करेंगे। उन्होंने कहा कि किसान अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार की नीति और नीयत दोनों ठीक नहीं। यह कानून किसानों के हित में नहीं बल्कि पूंजीपति लोगों के हित में है। इसे किसान बर्बाद हो जाएगा। हम सब किसानों के साथ हैं। सरकार ने कहा कि 1.5 साल के लिए इन कृषि कानूनों को होल्ड पर रखते हैं, उसके बाद आगे का फैसला होगा। अर्जुन चौटाला ने कहा कि किसानों के हित में सरकार को यह कानून बिल्कुल एक ही संदेश है हमारा। भारत के हर नागरिक को ये संदेश है, हरियाणा के हर नागरिक को संदेश है, गाँव गाँव जाकर हम सभी को एक ही बात करें कि भी ज़्यादा से ज़्यादा साथी अपने किसान साथियों के समर्थन में आए, टिकरी पे आए, दिल्ली के किसी बॉर्डर पे आए, अपने किसान भाइयों को मजबूत करें ताकि जो काले कानून है सरकार इनको वापस ले और MSP पर एक गारंटी और एक कानून नया बनाने का काम करे। यही कारण यही है कि हमारे जितने भी साथी कोई गाँव में जो अभी तक बॉर्डर पर नहीं गए उन सभी साथियों को इकट्ठा करके ट्रैक्टर यात्रा के तहत हम उन सभी को बॉर्डर पर ले जाने का काम करेंगे। सरकार की नीयत नहीं है समझौता करने की। अगर सरकार की कहीं ना कहीं नीयत होती तो सबसे पहले MSP पर कानून बना के गारंटी देने का काम करती। तो क्या हर प्रदेश में इनेलो और कांग्रेस पार्टी काम करिए? यूपी से भी इनेलो कांग्रेस काम कर रही है, पंजाब में भी इनेलो कांग्रेस काम कर रही है, राजस्थान में भी इनेलो कांग्रेस काम कर रही है? नहीं, ये आंदोलन किसानों का है, किसी एक राजनीतिक दल का नहीं। इसका हिस्सा बनने का काम करेंगे और किसान तो जिस प्रकार आपने खुद ने देखे होंगे अपने कैमरे से टीके पर यहाँ पर कितने साथी है, सभी साथी उधर इकट्ठा होकर चलने का काम करेंगे। देंगे इस्तीफा, इसमें कोई कहने कोई शक की बात थोड़ी है। जो चौधरी अभी सिंह जी ने एक बात कह दी वो पत्थर पे बनाई हुई लकीर है, वो कभी मिट नहीं सकती। पार्टी का हाथ सभी साथियों का पूरा सहयोग है जी सबको। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.